पानी की समस्या को लेकर शहर के सुमित्रा नगर वासियों ने पूर्व पार्षद सुभाष कासन गुट्टूवार के नेतृत्व में रास्ता रोको आंदोलन किया। चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में अमृत योजना का काम शुरू किया गया था, लेकिन कार्य की अवधि पूरी होने के बाद भी कई इलाकों में अमृत की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। जहां पाइपलाइन पहुंची है उस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा। ऐसी गंभीर स्थिति मनपा ने शहर में निर्माण की है। इसके खिलाफ नागरिकों ने शहर के तुकुम मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन कर मनपा प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बता दें कि मनपा ने अमृत योजना पर कार्य शुरू किया था, तब तुकुम वार्ड के सुमित्रा नगर इलाके में अमृत जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी तक सुमित्रा नगर में अमृत की पाइपलाइन में पानी की एक बूंद तक नहीं आई है, जिससे स्थानीय नागरिकों ने इस संदर्भ में शिकायत पूर्व पार्षद सुभाष कासन गुट्टूवार से की। उन्होंने समय समय पर मनपा को ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार उन्होंने सुमित्रा नगर क्षेत्र के नागरिकों के साथ मिलकर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने हाथों में घड़े लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस समय मनपा के अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों में उनके क्षेत्र में नियमित पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। इस समय पूर्व पार्षद सुभाष कासन गुट्टूवार ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों में इस क्षेत्र में पानी नहीं आया तो हम सभी नागरिक मनपा कार्यालय पहुंचेंगे और मनपा में ताला लगा देंगे। आज सुमित्र नगर बस्ती ही गरीब बस्ती है। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर बिचारे काम करता आणि जेव्हा 5 वाजता घरी येतात तेव्हा सायकलला डबे लावून पाणी आणावं लागतं। 3 एप्रिल 2021 अमृत पाणी पुरवठ्याची उद्घाटन केलं, पण 3 वर्षामध्ये घरामध्ये एक बूंद पाणी आहे। काल आमचे अधिकारी आले, उपायुक्त साहेब आले, सर्वांनी त्या सुमित्र वस्तीमध्ये फिरले। जेव्हा ते फिरले तेव्हा त्यांना विदारक परिस्थिती लक्षात आली की या वस्तीमध्ये अमृत पाणी पोहोचलंच नाही। आम्ही वारंवार विनंती केली, कंत्राटदार पळून गेला। आम्ही नेहमी सांगायचं ते सांगायचं पाईपचा ट्रक यायचा काम करू देतो, पाईपलाईन टाकली, कनेक्शन दिले, पण जोडलं नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आज आमच्यासमोर कोणताही पर्याय नव्हता। आज हे सुमित्रनगर वस्तीतल्या गरीब महिला आज रस्त्यावर आल्या आणि या आंदोलनाशिवाय आमच्याजवळ कोणताही प्रस्ताव नव्हता। आणि आज या आंदोलनामध्ये महानगरपालिकेचे अधिकारी बोरीकर साहेब आले, त्यांनी लेखी उत्तर दिलं की आम्ही 10 दिवसामध्ये पाणी पोहोचवून देऊ। पण आज सकाळी 8 वाजता महानगरपालिकेचे अधिकारी आले, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटचे, त्यांनी पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केला। आज 50% पाणी सुमित्रनगरच्या प्रत्येक घरात पोहोचलं आणि हा विशेष म्हणजे पूर्ण अधिकारी आणि येथील कर्मचाऱ्यांनी केलेला घोळ होता। आज हे आंदोलन माझ्या माता भगिनींनी केलं, या वार्डातल्या नागरिकांनी केलं, नागरिकांच्या आंदोलनामध्ये आम्ही उतरलो आणि जेव्हा हा हाकार माजला आंदोलन केलं तेव्हा या आंदोलनाला यश मिळालं। हे खरं यश या माझ्या वार्डातल्या नागरिकांना आहे। पण मी महानगरपालिकेला चेतावणी देतो, यानंतर जनतेची फसवणूक करणार पण सोडणार नाही। आता दुर्गापूर रस्ता बंद केला, ताडोबा रस्ता बंद केला, यानंतर महानगरपालिकेत येऊन महानगरपालिकेला आम्ही लॉक लावू, महानगरपालिकेच्या समोर आंदोलन करू, अशी मी आज महानगरपालिकेला चेतावणी देतो।